बाहर से श्रद्धालु बनकर आए युवक युवती ने जय श्री बाबा की गर्दन में मारा चाकू मारकर किया घायल। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हुए फरार। पिछले 3 दिनों से हमलावर युवक युवती के साथ आ रहा था मंदिर पर बाबा के पास। घटना के बाद ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाबा को उपचार के लिए टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना नगला सिंगी क्षेत्र के गांव बजेरा स्थित आश्रम की घटना। ये घटना हुई है, कै बजे की घटना है और क्या मामला था पूरा? ये 4:30 बजे का टाइम था। तो क्या पुलिस ने को आपने अवगत कराया था? पुलिस मतलब पुलिस को सूचना दी थी? सूचना कहाँ से दी, अभी तो सूचना हुई हुआ, अभी सूचना हो। कितने लोग थे जो यहाँ? लोग कोई नहीं थे, जो कारीगर काम कर रहे थे। अच्छा, जो कितने लोग आए थे जो अंदर जो बता रहे थे? अंदर जाने के लिए लोग तो सुबह से चल रहे हैं। तो उनका कोई एड्रेस या कोई आपने कुछ उसको जानकारी दी? तो एड्रेस वगैरह जो हम काफी नाम लिखते हैं, बस कोई एड्रेस नहीं देता आजकल, नाम लिखा देते हैं, कोई बताता है। मोबाइल नंबर लगाया उसका क्या? मोबाइल नंबर लगाया आपने? नहीं, किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। सीधे पकड़ा के चला गया चुपचाप। तो कुछ उसके फोटो अगर वीडियो हो उसकी जानकारी है? उसकी कोई जानकारी नहीं है बाबा। ये घटना है, वो कै बजे घटना है और जो बाबा को अज्ञात लोगों ने जो वार किया है, किससे वार किया था और क्या जानकारी है आपके पास? 5 बजे कर आए और महाराज जी ने गुफा में थी आवाज दी कि पकड़िए। कितने लोग थे वो? 2 ही। महिला है या पुरुष थे? एक महिला एक पुरुष। उम्र कितनी होगी लगभग उनकी? अब क्या है मना जानता था लिखी ना पड़ी। 20 साल होगी लगभग, 20 साल बताओ।